सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले तो सभी को और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। देखिए, अगर आप 2016 की भर्ती से लगे हुए सेकंड ग्रेड टीचर हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि 2016 के जो सेकंड ग्रेड टीचर लगे थे उनको मंडल का आवंटन और जगह का आवंटन दोबारा से होना है, और उसके लिए ऑनलाइन विकल्प पत्र भरे जाने हैं जिसके बारे में एक सूचना आ जाइए, तो उस सूचना पर हम चर्चा करेंगे। और ऑनलाइन विकल्प पत्र कौन सी साइट पर भरे जाएंगे, कैसे उनको भरेंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप 2016 के सेकंड ग्रेड टीचर हैं और अपना मंडल चेंज करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। उसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये लिखी हुई है उस सूचना में कि यदि आपने विकल्प पत्र नहीं भरा तो आपको सबसे लास्ट का मंडल जो बचेगा, लास्ट में वही मंडल आवंटित कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी प्रक्रिया को समझें और क्या वो निर्देश हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अब जो पीडीएफ फाइल में जिसमें ये निर्देश आए वो मैं एक बार आपको खोल करके बता देता हूँ। वो तो शायद आप सभी ने देख भी ली होगी अभी तक। चलिए मैं खोलता हूँ इसको। ये देखिए, ये अपनी पीडीएफ फाइल है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का ऑर्डर आया था आज सुबह। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आदेश है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 में माननीय न्यायालय में दायर डीबी अपील संख्या इतने इतने पूनम शर्मा में पारित समेकित निर्णय के अंतर्गत 2018 व अन्य समान प्रकरणों में समेकित निर्णय की पालना में रिसफल संभाग आवंटन किए जाने तो संलग्न सूची में अंकित रोल नंबर पर चयनित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प पत्र दिनांक 27 से आमंत्रित किए जा रहे हैं। यानी जो भी 2016 के कैंडिडेट हैं उनसे दोबारा से विकल्प पत्र भराए जाएंगे, संभाग आवंटन रिसफल होगा और ये 27/6 से ये कार्य चालू हो गया। ऑनलाइन जो विकल्प पत्र आपको भरने हैं उसको भरने का कार्य 27/6 यानी आज से प्रारंभ हो चुका है। कैसे हम भरेंगे अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखें, इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, पूरी जानकारी दी जाएगी। सूची में विवरणांकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से रिसफल संभाग आवंटन तो संभाग की प्राथमिकता विकल्प पत्र विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें HTTPS ये है सभी BITLY2YB, ये जीरो है, ये ध्यान रखना है, बी के बाद ये जीरो है, फिर S है, फिर छोटा K, फिर छोटा O, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे वरना आपकी ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो मैं अभी खोल के बता दूंगा आपको। दिनांक 1/7 को 6:30 बजे तक भरा जाना सुनिश्चित कराएं। तो सभी जो सेकेंड ग्रेड टीचर है वो अपना विकल्प पत्र आज से प्रारंभ करके 1/7 तक भर सकते हैं, तो यथाशीघ्र आप भर दें, उक्त समय के पश्चात यह लिंक स्वतः ही बंद हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, निर्धारित समय पश्चात अथवा ऑफलाइन प्रस्तुत विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी निर्धारित समय पश्चात अगर आप विकल्प पत्र भरोगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये मैं भी आपको बता देता हूँ, सेकेंड ग्रेड 2016 के लिए है। एक बार हम निर्देश पूरे ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ेंगे नहीं जब तक हमें अपनी बात समझ में नहीं आएगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के संबंध में जिन विषयों में एक से अधिक संभागों में पद विज्ञापित थे उन विषयों के वर्तमान में कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों, देखिए ऊपर आपके कंफ्यूज हुआ होगा कि रोल नंबर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जिन सब्जेक्ट में केवल एक ही संभाग में पद थे उनका तो रिसफल नहीं होगा, लेकिन जिन सब्जेक्ट में एक से ज्यादा संभाग में पद आवंटन थे तो उसमें जो सभी सेकेंड ग्रेड के टीचर उनको सभी को भरना है, कहने का मतलब रिसफल संभाग आवंटन था आरपीएससी अजमेर द्वारा नवीन चयनित एवं अभिस्थापित अभ्यर्थियों के संभाग आवंटन हेतु प्राथमिक विकल्प पत्र चाहे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी इस कंफ्यूज में नहीं रहे कि कौन से रोल नंबर वालों को भरना है और कौन से को नहीं भरना, सभी सेकंड ग्रेड टीचर को ये भरना है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू विषयों के और अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के संस्कृत तथा हिंदी विषय हेतु कार्यरत समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्राथमिक विकल्पता पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य। तो अब देखिए ऊपर अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो यहाँ बता दिया कि सभी सब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट के नाम बता दिए, इन सब्जेक्ट के सभी अभ्यर्थियों को विकल्प पत्र भरना है। जिन विषयों में केवल एक ही संभाग में पद विज्ञापित थे उस विषय के अभ्यर्थियों से विकल्प पत्र नहीं चाहे जा रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों की अभिस्थापना माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में प्राप्त होते तथा माननीय न्यायालय द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए गए से भी विकल्प पत्र चाहे जा रहे हैं, उक्त अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। तो सभी को कहने का मतलब करना है। अब देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्य ग्रहण नहीं किया उन अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया। मान लीजिए किसी ने कार्य ग्रहण किया ही नहीं,
तो वो अब इस ये विकल्प पत्र नहीं भर पाएंगे कि चलो अपने को मौका मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिन्होंने कार्य ग्रहण कर लिया वही इसके लिए पात्र हैं। संलग्न सूची में अंकित रोल नंबर वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विकल्प पत्र भरा जाना आवश्यक है। इनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अब आपको ऑनलाइन ही विकल्प पत्र भरना है। अगर आपने ऑनलाइन विकल्प पत्र नहीं भरा तो ऑफलाइन आप दे रहे हो निदेशक कार्यालय में तो वो नहीं माना जाएगा, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। आगे देखें, निर्देश पूरे ध्यान से अपने को पढ़ने। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार जिन अभ्यर्थियों को गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा चुका है उन्हें रिसफल संभाग आवंटन में शामिल नहीं किया जा रहा। तो ये आपके कोई इससे संबंधित बात है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में आ गए तो उनको नहीं करनी है चीज। उक्त भर्ती में नियुक्त कार्मिक जो कि वर्तमान में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है उनके द्वारा भी रिसफल संभाग आवंटन की प्रक्रिया हेतु प्राथमिकता विकल्प प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो जैसे मान लीजिए मॉडल स्कूल में या महात्मा गांधी स्कूल में या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो टीचर प्रतिनियुक्ति पर है उनको भी ये विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हैं, उनका भी संभाग चेंज हो सकता है मेरिट के आधार पर। अगला देखिए, रिसफल संभाग आवंटन हेतु ऑनलाइन विकल्प पत्र आमंत्रित किए जाने के उपरांत जिन अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन अभ्यर्थियों को तत्समय अधिकतम रिक्ति वाले संभाग में विज्ञापित पदों के अनुरूप चयन वर्गवार स्वयं वर्ग व मेरिट के आधार पर संभाग आवंटन किया जाएगा। तो जिन्होंने विकल्प पत्र नहीं भरे, विकल्प नहीं दिए, तो उनका फिर वो अपने आधार पर सबसे अधिक रिक्ति जाओगी, चाहे वो जोधपुर संभाग में हो चाहे वो बांसवाड़ा संभाग में हो, उनमें मिल जाएगी। कोई से भी संभाग में जिसमें ज्यादा पद उसमें मिल जाएगी, अपनी सुविधा के अनुसार वो दे देंगे विकल्प पत्र, नहीं भरेंगे उनको। यदि मेरिट के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को संभाग की प्राथमिकता दर्ज करते समय अपने मोबाइल पर ओटीपी का संदेश नहीं आता या वह अपना नया मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता तो ऐसे अभ्यर्थी निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नाम से इस संबंध में स्वयं हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर अपना प्रार्थना पत्र ईमेल आईडी seniorteacher.sccedu@gmail.com पर प्रेषित करें। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर है, पहले कोई दूसरा मोबाइल था और अब मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो उस पर ओटीपी नहीं आएगा। ये प्रक्रिया जिसमें ओटीपी आके विकल्प पत्र भरा जाएगा, सबमिट करते समय इसमें ओटीपी आएगा। तो अगर मान लीजिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा तो आपको नया मोबाइल नंबर जुड़वाना है और जुड़वाने के लिए क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के नाम से एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी है और वो ईमेल कर देनी है। प्रार्थना पत्र और आधार कार्ड की फोटोकॉपी ईमेल कर देना और उस प्रार्थना पत्र में आप अपने मोबाइल नंबर मेंशन कर देना तो वो आपके संशोधित हो जाएगा और मेल ही करनी है तो मेल करते ही तुरंत काम होगा क्योंकि इनको पता है कि जल्दी ये करना है। संलग्न विषयवार सूची है तो इस सूची की जरूरत ही नहीं, इसमें बता दिया कि सभी को ये करना है। अब देखिए नीचे और देख लेते हैं, सिस्टम की उक्त सूचना विभाग जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर अंकित है उनके मोबाइल नंबर पर यह संदेश भी अनिवार्य रूप से देवे कि आपका वरिष्ठ के अंतर्गत अजमेर द्वारा चयन किया गया है नियुक्ति है तो संभाग आवंटन की प्राथमिकता के संदर्भ में इस लिंक पर अपनी प्राथमिकता दर्ज कराएं। तो ये लिंक मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो सारे https://bit.ly2y ये जीरो है, इसको ओ नहीं समझ लें आप, जीरो फिर एस बड़ा फिर के छोटा फिर ओ छोटा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट ही लिंक जो है वो डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा तो वहीं से डायरेक्ट आप खोल सकते हो इसको। तो चलिए एक बार मैं थोड़ी सी प्रक्रिया बता देता हूँ, पूरा कंप्लीट अगर आपको जानकारी चाहिए कि इसका विकल्प पत्र कैसे भरे तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अभी मैं आपको साइट बता देता हूँ और साइट किस तरह से खोलनी है और किस तरह से ये आपको लगाना है उसके बारे में बता दूंगा, कैसे विकल्प पत्र बना उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ। देखिए कोई भी ब्राउजर खोल लेंगे आप सबसे पहले, उस ब्राउजर में वो लिंक लगाएंगे, आपको लिंक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहां से आप कर सकते हैं। देखिए ये देखिए लिंक मैं लगा रहा हूँ bit.ly फिर स्लैश उसके बाद टू फिर देखिए बड़ा वाई और बड़ा बी फिर जीरो, ये जीरो है ध्यान रखना साथियों, फिर बड़ा एस फिर छोटा के और फिर छोटा ओ, ये लिंक है आपके और इसमें मैं देखिए इंटर दबा देता हूँ। इंटर दबाते ही आपको ये देखिए ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाएगी साथियों, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ये वेबसाइट खुल रही है, इस पे आ रहा है होम। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ जाने के बाद होम ऑर्डर इंस्ट्रक्शन शेड्यूल रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस हैंड एंड सपोर्ट, तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस पर क्लिक
करना है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस पे क्लिक करते हुए आएगा सिलेक्शन टाइप, तो सेलेक्ट काउंसलिंग इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपके सीधा ऐसे आएगा सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट ऑप्शन फिलिंग। अब इसमें आपको रोल नंबर भरने हैं और इधर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। चूंकि मैं सेकंड ग्रेड का विद्यार्थी नहीं हूँ इसलिए नए तो मेरे पास रोल नंबर है और नई डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर दें ताकि मैं अपने साथियों के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेकर के और पूरा कंप्लीट ये फॉर्म कैसे भरना उसकी पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। कमेंट में आप बता दें या ये साइट खोल लें और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा के यहाँ ओके कर देंगे तो आगे आपसे ऑप्शन मांग लेगा, इजी वे में फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अगर दिक्कत आए तो कमेंट में लिख दें तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी कल सुबह अपने किसी भी साथी के स्टाफ साथी के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लेके और इस पर क्लिक करके मैं आपको एक कंप्लीट भरना बता दूंगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट का वीडियो है, इसको आगे से आगे बढ़ाएं और कम से कम इतना इसको शेयर जरूर करें कि 2016 के साथियों के लिए ये जरूर पहुंच जाए, क्योंकि साथी कोई ऐसा नहीं बच जाए जिसको सूचना ही नहीं मिले कि अभी विकल्प पत्र भर रहे हैं और कैसे भरने हैं उनको पता ही नहीं चले। तो प्लीज़ सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जिनको इसकी ज़रूरत है उस वीडियो को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।